हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। इट इज़ अर्ली संडे मॉर्निंग और आज मॉर्निंग का रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। फिलहाल मुझे उठे हुए 1-1.5 घंटा हो चुका है और मेरी मॉर्निंग वॉक, सुबह की सूक्ष्म प्राणायाम, स्ट्रेचिंग, थायराइड की दवाई, ये सब कुछ मेरा हो चुका है। आजकल मॉर्निंग्स जो हैं वो थोड़ी सी पीसफुल रहती हैं क्योंकि स्कूल ऑफिस की हरी भरी नहीं रहती है। ऑफिस की तो रहती है लेकिन हाँ, स्कूल की नहीं रहती है, तो फिर भी थोड़ा सा मैनेजेबल रहता है। तो फिलहाल बस यहाँ पर मैं चाय चढ़ा रही हूँ और तसल्ली से बैठ के चाय पियेंगे और साथ साथ बाकी के काम, ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन यही चलेगी। तो अगला जो एक महीना है वो थोड़ा सा पीसफुल रहने वाला है, अदरवाइज़ जब स्कूल रन होता है तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं मॉर्निंग में और नाइट में भी। तो चलिए, यहाँ पर चाय जो है हमारी अदरक इलायची वाली वो तैयार हो रही है और इसी के साथ मैं अपने लिए कुछ स्नैक बना के तैयार कर रही हूँ। हालांकि मैं अपने लिए बनाती हूँ लेकिन पूरी फैमिली ही खाती है। ऑब्वियसली घर में कुछ बनता है तो फिर वो सबके लिए ही होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टोनवेयर लिया है और उसमें डाल दिया है बिल्कुल ही थोड़ा सा ऑयल। और यहाँ पर अब मैं मूंगफली जो है इनको मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। तो ये रॉ पीनट्स हैं, हम लोग मॉरिसन से लेकर आते हैं, यहाँ पे हर सुपरमार्केट में मिल ही जाती हैं। लेकिन यू नो, हर चीज़ का एक टेस्ट होता है, तो जो मॉरिसन वाली मूंगफली है इनका टेस्ट ऑसम है, तो हमेशा हम यही लेकर आते हैं। तो यू नो, अलग अलग सुपरमार्केट की अलग अलग चीज़ें हैं जिनको हमने पहचानना है साल दर साल चलते हुए कि कहाँ की सबसे अच्छी है। तो अब पता लग गया है कि ये चीज़ यहाँ की, वो चीज़ वहाँ की, तो इसीलिए मिक्स्ड ग्रोसरी होती है हमारी। तो चलिए बैक टू द मूंगफली। और मूंगफली यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हो गई हैं, इनको लो हीट पे आपको करना है और फाइनली आप इनके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें एंड दैट स्नैक इज़ रेडी। चाय के साथ या कभी भी कुछ मंच करने का मन करे तो आप हैंडफुल लें, खाएं और इसी क्रेविंग भी शांत हो जाती है। तो मूंगफली अभी जब ठंडी हो जाएंगी उसके बाद मैं उसको रख दूंगी। और यहाँ पर हैं कुछ बॉयल पटेटोज जो कि मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बॉयल करके रखे थे। मैं नहीं खाने वाली हूँ, डोंट वरी, लेकिन एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कुछ पटेटोज हैं जिनको मैं बॉयल करके रखा था, तो अब मैं इनको ग्रेट कर लूँगी और ये रूम टेम्परेचर के हैं। तो दो स्मॉल साइज़ के पटेटोज जो हैं वो मैंने बचा दिए हैं, ये किसी और रेसिपी में काम आ जाएंगे और स्नैकिंग के लिए भी सही रहते हैं। अदवी खा लेती है कभी कभी इनको इस तरह से उठा के, उसको कट करके हल्का सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और जीरा पाउडर डाल के दे दो, देन शी इन्जॉयज इट। तो उधर चाय डन हो रही है, थोड़ी सी प्रेप मैंने कर ली है एंड दैट इज़ माई एवरी डे रूटीन। एक्चुअली मेरा शुगर लेवल टेस्ट करना, तो इस टाइम पर मैं अपना फास्टिंग वाला जो शुगर होता है वो चेक करती हूँ। ऑलमोस्ट 12-13 आवर का गैप होता है नाइट का और दिन में मुझे 8 बार अपना टेस्ट करना होता है। दिस प्रिकिंग डजेंट हर्ट एक्चुअली, बट डूइंग 8 times a day इट्स फील बिट वियर्ड एक्चुअली। मेरी सारी जो उंगलियां हैं, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ एक ही फिंगर पे आपको टेस्ट करना होता है, अलग अलग फिंगर्स रोटेट करनी होती हैं, तो सारी फिंगर्स जो है ना वो आगे से ब्लैक डॉट्स इस तरह की हो गई हैं। बट नाउ दिस इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और रीडिंग्स चेक करना, उनको डायरी में नोट डाउन करना और एवरी वीक जो है वो डॉक्टर के साथ फिर कंसल्ट करना, सो दिस इज़ माई लाइफ गोइंग ऑन। यहाँ पर चाय जो है वो तैयार हो गई है, साहब आ चुके हैं और मूँगफली की तरफ जो है वो हाथ उनका बढ़ने लगा है और गर्म है अभी, लेकिन वही है कि कुछ बना रखा है तो जब तक चखे ना तब तक बात तो बनती नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली और इसके साथ हमारी एक एक प्याली चाय, जो कुछ जाते ही बड़ी बड़ी प्याली होती है हमारी, वो हम बैठ के अब यहाँ पे इंजॉय करेंगे। थोड़ी बहुत बातें, गपशप और मॉर्निंग की शुरुआत यहाँ से हो जाती है एज अ फैमिली।
और यहाँ पे बस बातें जो है वो थोड़ी सी लाइटिंग की ही चल रही हैं। लिविंग रूम की लाइट खराब हुई थी, आई गेस आप लोगों को ध्यान होगा, तो उसके लिए हमने ऑर्डर करी थी एंड दैट इज़ रियली गुड। तो बस वही सोच रहे थे कि इस रूम की भी चेंज कर दें, हल्की सी येलोइश टोन में है तो कैमरा के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, तो अलग से मुझे फिर लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस वही डिस्कशन चल रहा था। और यहाँ पे जो मूंगफली हैं वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई हैं, इनको मैंने टपरवेयर में डाल दिया है और इसको फिर मैं डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी, तो जब भी मन करे एक रेगुलर इंटरवल के बाद चाहे तो थोड़ी बहुत मंच कर सकते हैं। और वैसे भी कई बार मैं सैलड के ऊपर भी डाल लेती हूँ, तो वो जो बोरिंग सी सैलड होती है उसमें एक क्रंच आ जाता है तो अच्छी लगती है। और ये है एक छोटा सा कॉर्नर हमारी डाइनिंग टेबल पे जिसमें मैंने मुखवास माउथ फ्रेशनर रखा है और ये मैंगो बाइट जो मैंने इंडिया से मंगवाई थी क्योंकि मुझे बहुत सिकनेस होती थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये अब मैं खा नहीं पा रही हूँ क्योंकि इनके अंदर बहुत शुगर होती है। तो एक ये छोटा सा कॉर्नर बना दिया है, खाने के बाद अगर किसी का मन करे तो यहाँ से लेके खा सकते हैं। सो डाइनिंग टेबल वैसे अभी जो है हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं घर में, आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे बस अब मैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने हाफ अनियन लिया है, इसको मैं फाइनली चॉप कर लूँगी और साथ ही आपको यहाँ पे धनिया और हरी मिर्च दिखाई दे रही है। तो हम एक स्टफिंग तैयार करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी वाले रैप्स, और ये काइंड ऑफ स्टफिंग आपको सेम लगेगी कि जिस तरह से आलू के पराठे की है जो फ्राई करके हम बनाते हैं, लेकिन इसके और आलू के पराठे में जो टेस्ट है ना वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस मेक करता है। तो यू नो सेम इंग्रेडिएंट सेम चीज़ें लेकिन बस बनाने का अगर तरीका अलग हो ना तो भी उनका टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। और मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट इस तरह की चीज़ें करती रहती हूँ, सारी चीज़ें सेम होती हैं बस बनाने का तरीका अलग होता है और उसी से सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे सेम पैन लिया है जिसमें मैंने मूंगफली अभी भूनी थी और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। इसके बाद ऑयल गर्म होते ही उसमें जीरा डाला है, देन हम अनियन ऐड करेंगे और इनको हल्का सा सौते कर लेंगे। प्याज के भुन जाने के बाद नॉर्मल रूटीन के मसाले धनिया हल्दी रेड चिली थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसके बाद इनको भून के मैंने इसके अंदर जो हरी मिर्चें हैं वो ऐड करती हैं, और जो चीज़ जिस स्टेप पर डाल रही है प्लीज़ उसी तरीके से डालिएगा, तभी इसका जो टेस्ट है ना वो असली टेस्ट आएगा या जैसा मैंने बनाया है वो वाला टेस्ट आएगा। देन मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल के भी हल्का सा फ्राई किया है और जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब डाली है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये जल्दी से थॉ हो जाए। आप यहाँ पे फाइनली चॉप जिंजर गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, मेरी बेटी को वो क्रंच पसंद नहीं आता है तो मैं इसीलिए जिंजर गार्लिक की क्यूब ही अधिकतर यूज़ करती हूँ। एंड एनी हाउ साहब भी थोड़े से फंसी हैं गार्लिक को लेके, तो मैं बहुत कम चॉप्ड गार्लिक यूज़ करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में। तो मसाला भुन गया था, फिर मैंने इसके अंदर पोटैटोज़ ऐड कर दिए हैं, देन थोड़ा सा स्टफ्ड पराठा मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला सॉल्ट ये चीज़ें डाल के इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे और इसकी हम एक ये फ्राइड स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो बस इसको हमें यहाँ पर मिक्स करना है, हीट जो है वो आपको लो टू मीडियम रखनी है और इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू जो हैं वो हमारे ऑलरेडी बॉयल्ड हैं। बस इस तरीके से मिक्स करना है कि सारे फ्लेवर जो हैं वो इसके अंदर आ जाएं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, इसको बस थोड़ा सा हम कवर कर देंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं एक दूसरे के साथ। और स्टफिंग को मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए क्योंकि रेसिपी के लिए हमें वार्म नहीं चाहिए ठंडी चाहिए।
और यहाँ पे मैं अपनी स्टफिंग तैयार कर रही हूँ पनीर के साथ। आपको आजकल हर वीडियो में पनीर की एक ना एक रेसिपी तो ज़रूर मिलेगी, बिकॉज दिस इज़ द वन थिंग जो कि मैं पेट भर के खा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पनीर लिया है, उसको अच्छे से क्रम्बल कर लिया था। उसके बाद उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया बारीक कटे हुए, ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड किया है, एंड देन चाट मसाला, और इसके बाद टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट। जब भी आप चाट मसाला डालें तो सॉल्ट थोड़ा सा कायदे से डालें, क्योंकि चाट मसाले में भी सॉल्ट होता है। तो कई बार इसी वजह से हमारी चाट में ना नमक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम जो है ना फटाफट काम कर देते हैं और हम भूल जाते हैं कि उसके अंदर भी सॉल्ट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद बस इस स्टफिंग को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो नॉर्मल वही स्टफिंग है जैसे कि पनीर के पराठे की होती है, कुछ लोग फ्राई करके भी बनाते हैं। तो इतनी प्री प्रेप होने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे अब शावर लेना है, लेकिन पहले ऊपर का टाइम दिया और अदवी को उठाना है। मीनवाइल हस्बैंड नीचे वाले फ्लोर पे अच्छे से वैक्यूम कर देंगे और मैं ऊपर का फ्लोर टाइटी करके नहाने चली जाऊँगी और वो ऊपर वाला फ्लोर जो है उसको भी वैक्यूम कर देंगे। तो इस तरह से हमारा संडे जो है वो मिलजुल कर काम करके निकल जाता है। तो मुझे इस दिन सफाई की कोई चिंता नहीं होती है, सिर्फ किचन मेरा डिपार्टमेंट होता है लंच तक। डिनर भी मोस्टली यही होता है कि हाँ हस्बैंड हेल्प करते हैं, कई बार वो ही बना देते हैं कुछ भी, वन पॉट मील या एनीथिंग। सो एक दिन की एक टाइम की छुट्टी हम सभी को चाहिए होती है। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी जो है लेंगी अभी 15-20 मिनट उठने में, तो इनको यहाँ पे आवाज़ लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ बाथरूम में नहाने के लिए। तब तक वो अपना उठ जाती है, उसे उठने के बाद 10-15 मिनट बेड में मिल जाते हैं खेलने के, और फिर मैं बेड वगैरह सब कुछ बना के और नीचे आ जाती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड इट इज़ टाइम फॉर दिया बाती। और पूजा करने के बाद बस मैं किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट प्रेप करने के लिए। मीनवाइल अदवी भी रेडी होके नीचे आ जाएगी और हस्बैंड भी शावर ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो रूटीन मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये रेडीमेड रोटी जो मैंने आपको अभी वीकली ग्रोसरी हॉल में शेयर करी थी, एलिफेंट वाली, और ये बहुत लाइक एलिफेंट ब्रांड है, कुछ और मत सोच लेना। तो ये वो वाली है, लेकिन आपके पास अगर लेफ्ट ओवर रोटी हो या फिर आप ताजी भी बना के यूज़ कर सकते हैं या फिर पराठा आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको इस तरह से हाफ फेस को फिल करना है स्टफिंग से। स्टफिंग आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे मैंने पोटैटो की बनाई है और पनीर की बनाई है। तो फैमिली प्रेफरेंस के हिसाब से आप कोई भी स्टफिंग बना सकते हैं, हाफ वे फिल करके इसको आपको फोल्ड कर देना है। और इसके बाद बस हमें इसको सेकना है, एंड यू नो सेम थिंग कि वही रोटी आटा है, वही स्टफिंग है। बट यही कहूँगी कि एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, आप फिर से आके कमेंट करके कहेंगे कि हाँ दीपिका इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा है हमें, थोड़ा नहीं बहुत लगा है। तो स्टफिंग जो है ना उसमें कंजूसी ना करें, खूब सारी भर भर के अच्छे से इसके अंदर डालें और इसके बाद हाफ फेस को फोल्ड कर लें, और फोल्ड करने के बाद प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो स्टफिंग है वो अच्छे से स्टिक हो जाए और पलटते हुए ऐसा ना हो कि हाँ ये खुल जाए। तो यहाँ पर मैंने ये सारे के सारे रैप्स जो हैं वो बना के तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इनके ऊपर लगाएंगे बटर। आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं ऑयल का, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, या फिर आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बटर लगाया है और एक साइड लगा रही हूँ फिलहाल, फिर उस तरफ से मैं इसको सेकूंगी, फिर दूसरी तरफ लगा दूंगी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, बाकी आप दोनों तरफ से लगा के भी पहले से ही प्रेप करके रख सकते हैं, एंटायरली अप टू यू।
तो मीनवाइल यहाँ पे मैंने ग्रिल ऑन कर दी थी। आप चाहें तो इसको तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रिल के ऊपर ही सेकना है। बस ये है कि ग्रिल से जो वो मार्क आते हैं ना इसके ऊपर, वो इसे और भी ज़्यादा अपीलिंग बना देते हैं और लगता है कि कुछ डिफरेंट सा है। अदरवाइज ऐसे लगता है कि जैसे आपने रोटी सैंडविच बना लिया हो, बट इट इज़ एक्चुअली ए रोटी सैंडविच। और मैंने एक बार लेफ्ट ओवर सब्जी के साथ भी इस तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया होगा, और आप में से कुछ लोगों ने बनाई थी एंड दे वर लाइक सो हैप्पी कि दीपिका बची हुई सब्जी रोटी खाने से बेटर है कि हम इस तरह से रोटी सैंडविच बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। क्योंकि तवे पे जब आप रोटी को दोबारा से ऑयल या घी लगा के सेकते हैं ना, तो वो बहुत कुरकुरी हो जाती है। जस्ट ट्राई दैट आउट अगर आपने नहीं किया है। तो यहाँ पे ग्रिल पे मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है, बीच में मैंने इसको 1-2 बार पलटा है ताकि ये अच्छी तरीके से दोनों तरफ से इवनली सिके। एंड जस्ट लुक एट इट, इट्स लुकिंग सो गुड। और एक बार का ये सिकने में आराम से 4-5 मिनट तो लग ही जाते हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि उसके बाद आपको एक टेस्टी सी डिश मिलने वाली है। इसके बाद आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर दें, या फिर आप इसको इस तरह से बीच में से काट लें और ट्राइंगल्स बना लें। इट इज़ ईजी, ये अच्छे से ग्रैब हो जाता है, और ये डिश बहुत अच्छी है अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं या कुछ भी इस तरह से पॉटलक टाइप कर रहे हैं, तो एक डिफरेंट सी एक डिश हो जाती है। सेम इन्ग्रीडियंट्स अगेन, बट डिफरेंट टेस्ट एंड डिफरेंट लुक। ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपनी पसंद की डिप्स के साथ और सैलड के साथ आप इसको सर्व करें, एंड इट टेस्ट हेवनली डिलिशियस। सो जस्ट लुक एट दिस प्लेटर, लग रहा है ना बहुत अच्छा। तो बस जल्दी से बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ ये कैसी लग रही है। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये रेडीमेड रोटी या रैप्स ही हो, अगेन लेफ्ट ओवर रोटी के साथ पराठे के साथ भी ये मस्त लगती है। तो हमने अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करा, एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर सम वर्क। अद्वी और अद्वी के पापा का ये टीवी टाइम होता है, उनका टाइम होता है, वो लोग खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, मुझे इस टाइम पर कोई मतलब नहीं होता है। और मैं करती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो एडिट। और अगर यहाँ तक आप इस वीडियो को देख चुके हैं तो क्या करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, उससे पता लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ आपको वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। आई ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स हीयर, बट येट आई एम एट होम, वही किचन, वही घर, वही कुकिंग, वही क्लीनिंग, वही मैं, सब कुछ वही है। बट स्टिल ट्राई टू मेक अ डिफरेंट वीडियो एवरी डे, विच टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट। तो अगर आप लोग लाइक कर देते हैं तो उससे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ठीक है, जो मैंने मेहनत करी है वो आप लोगों को पसंद आई है। तो बस दिस इज जस्ट टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। हाँ, बहुत मांग रही हूँ आपसे, बट येस इट जस्ट सेटिस्फाई माई वर्क कि हाँ मेरा काम जो है वो सही चल रहा है। तो यहाँ पे बस थोड़ी बहुत प्लानिंग ही चल रही है कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने दिए हैं जैसे व्हाट आई ईट इन माय डे, बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह इस जर्नी में, और जो लोग जीडी हैं लाइक जेस्टेशनल डायबिटिक हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाऊं, बट थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, और हर किसी की प्रेगनेंसी, हर किसी का लेवल अलग है। सो थोड़ी सी रिसर्च कर रही हूँ, बट लेट्स सी कि मैं बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ। तो वही आजकल जो है वो थॉट्स चल रहे हैं, और इसके अलावा थोड़े बहुत घर में चेंजेस हो रहे हैं, देन आगे जो इवेंट्स आने वाले हैं उनकी प्रेप, सो देर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड, एंड आई होप आगे आने वाले टाइम की इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो अगेन लाइक, शेयर, कॉमेंट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर मोर अपडेट। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।